आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेई मेंस के 29 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने के क्या दे रखा है कि इफ दिस इज इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, देन एल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले आपने क्या है, ये सिग्मा के इक्वल टू आपने कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर 100 तक नहीं बल्कि आपने 10 तक ही है। और ये दे रखा है आपने के स्क्वायर, और ये दे रखा है आपने 10 C k, और इन पूरी के पावर में होल स्क्वायर है। फोर से आपने इसको सॉल्व कर लूँ तो यहाँ से आपने के इक्वल टू आ गया आपने 1 के बराबर, और ये रहा 10 के बराबर। यहाँ से आपने इसको ऐसा लिख सकते हैं k इंटू 10 C k के बराबर, और इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये जो समेशन वेरिएबल है ना आपने के पास किस पे, k पे, और k आपने के पास दो अलग अलग जगह आ रहा है। जब k दो अलग अलग जगह आ रहा है तो थोड़ी सी आपने के पास एक प्रॉपर्टी होती है, कौन से, k इंटू एन सी के इक्वल टू आपने के पास होता है एन इंटू आपने के पास अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स में आपने के पास क्या किया जाता है कि एक एक घटा दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। तो अपर सफिक्स में क्या करो, एक घटा दो एन माइनस वन और सी के माइनस वन के बराबर। ये हमारे पास अब आपने के पास जो समेशन वेरिएबल है ना वो आपने के पास शिफ्ट होकर के किस पे चला गया, सिर्फ और सिर्फ एक पे चला गया है। यानी कि आपने के पास यहाँ पर कंडीशन क्या होता है कि ये जो के है और ये के दोनों सेम होनी चाहिए। जब आपने के पास ये दोनों सेम होनी चाहिए इसका मतलब है आपने के पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये आ गया आपने के पास 10 इंटू आ गया आपने के पास 9 और इंटू सी के 9 C k - 1 के बराबर, और इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। और ये आ गया आपने के पास सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए तो आपने कहा ये क्या है, 10 स्क्वायर आपने के पास कहाँ आएगा, तो बाहर आएगा। क्यों आएगा बाहर, क्योंकि आपने कहा समेशन वेरिएबल 10 पे थोड़ी है। ये अगर आपने कहा सिग्मा, ये अगर आपने कहा 9 C k - 1 इन पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपने कहा k इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के 10 तक, हाँ है ना। यहाँ से आपने कहा क्या करो, थोड़ा बहुत आप कैलकुलेट कर लो। जैसे कैलकुलेट करो तो ये आगे आपने कहा 10 का स्क्वायर 100 हम लिखी दो ना, ठीक है 100। यहाँ से आपने कहा बताओ तो ये क्या लिखा हुआ, तो 9 C k - ये k जगह की जगह 0 डाल के, तो 9 C 0 इसका पूरे का होल स्क्वायर, प्लस टाइम्स आपने कहा 9 C 1 इन पूरे का होल स्क्वायर, प्लस टाइम्स आपने कहा 9 C 2 इन पूरे का होल स्क्वायर, प्लस टाइम्स डॉट डॉट डॉट, प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 9 C 10 डालोगे तो 9 C 9 के बराबर, क्योंकि 10 - 1 9 के बराबर हो जाएंगे, तो 9 C 9 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अगर आप गौर से देखते हो तो ये आपने कहा बाइनो सीरीज नहीं लिख रहा है, 9 C 0 के बराबर इंटू 9 C 0 के बराबर, प्लस टाइम्स आपने कहा 9 C 1 के बराबर इंटू आ गया 9 C 1 के बराबर, हाँ ना, प्लस टाइम्स 9 C 2 के बराबर इंटू आ गया 9 C 2 के बराबर, प्लस टाइम्स डॉट डॉट डॉट, प्लस टाइम्स आपने कैसे आ जाएंगे, तो 9 C 9 के बराबर, और ये रहा 9 C 9 के बराबर, हाँ है ना। जब ये तुम्हें बाइनो सीरीज दिख रहा है तो यहाँ से आपने कैसे क्या करो, सॉल्व कर लो ना, क्या आपने कहा 100 के बराबर। सम ऑफ अपर सफिक्स कॉन्स्टेंट है, सम ऑफ लोअर सफिक्स कॉन्स्टेंट नहीं है, सम ऑफ अपर सफिक्स क्या है, कॉन्स्टेंट है, सम ऑफ लोअर सफिक्स कॉन्स्टेंट नहीं है, तो बना लो ना 9 C 0 इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो 9 C 9 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया 9 C 1 के बराबर इंटू आ गया 9 C किसके बराबर जाएंगे, 8 के बराबर, 9 C 2 के बराबर, और 9 C 2 को क्या लिख सकते हैं, तो 9 C 7 के बराबर, हाँ है ना, 9 C 7 के बराबर, कोई दिक्कत, प्लस टाइम्स डॉट डॉट डॉट, प्लस टाइम्स ये किस तरह जाएंगे, तो 9 C 9 के बराबर और 9 C 0 के बराबर। अब देखो सम ऑफ अपर सफिक्स कॉन्स्टेंट, सम ऑफ लोअर सफिक्स कॉन्स्टेंट, ऑल टर्म्स आर प्रेजेंट, सारे टर्म अपने पास एडिशन में है, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, तो ये आ गया अपने पास 100। सम ऑफ अपर सफिक्स ये आ गया 9 9 18, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो सी, और ये आ गया अपने किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 9 और +0 9 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने के पास क्या है, तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, और कैलकुलेशन खतरनाक वाले हैं, ऐसे भी नहीं कि कैलकुलेशन अपने पास ऐसे है, तो ये आ गया 100 × 18 इंटू अपने का 17, ये आ गया अपने का 18 में से 9 जाएगा, तो अपने का चलो डायरेक्ट लिखो, पूरा सा अपने का कैलकुलेशन खतरनाक है तो देख लेना, 18 फैक्टोरियल और अपन में 9 फैक्टोरियल, 18 में से 9 जाएगा तो अपने का करा देंगे, तो ये आ गया अपने का 9 फैक्टोरियल के बराबर, चलो लिखना तो पड़ेगा ही दया। ये आ गया अपने का 100 × 18, ये आ गया अपने का 17, ये आ गया अपने का किस बराबर, तो 16 के बाद अपने का 15 के बाद अपने का 14 के बाद अपने का कितना आ जाएगा, तो 14 13 12 11 10 और होल अपन आपने कहा 9 फैक्टोरियल आ जाएंगे ना, तो इंटू 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल जाएगा, तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 के बराबर, 1 2 अच्छा 3 भी तो आएगा, तो यहाँ से आपने कहा 3 × 2 × 1 के बराबर, तो 3 × 2 × 1 के बराबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब आपने कहा क्या करो, कैलकुलेट करना स्टार्ट, कैंसिल करना स्टार्ट करो, तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो 8 × 2 = 16 बराबर, 6 क्या गया अपने के पास 4 किया 12
बस अपने के कैलकुलेट कैंसिल करना है और कुछ नहीं। क्या गया अपने के पास 9, क्या गया अपने के पास 9 दुनिया 18, 6 3 18 के बराबर है ना, कोई दिक्कत। क्या गया अपने के पास 3 3 9 के बराबर। अब अपने के पास बताओ तो यह गया अपने के पास 3 5 15 के बराबर, ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो गया। अब अपने के पास 7 बचा, क्या गया अपने के पास 7 दुनी 14 के बराबर है ना। अब अपने के पास कुछ बचा क्या? कुछ तो बचा ही नहीं। तो यहाँ से अपने के पास क्या करो, जो सब बच गया ना उसको अपने के पास इधर लिख लो। क्या अपने के पास 100 मल्टीप्लाइड में, अब अपने के पास कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा देख लेना, 17 और कुछ भूलना मत, 117 2 13 11 10, 17 मल्टीप्लाइड में 2 मल्टीप्लाइड में 13 मल्टीप्लाइड में 11 मल्टीप्लाइड में 10, यही है ना। तो 1 2 3 4 5 6 यही बचा है देख लो, तो 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अब अपने के पास क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये अपने के पास बराबर है, तो ये आ गया अपने के पास 000 इंटू एल के बराबर है, इसको इस फॉर्मेट में लिखने हैं। तो ये आ गया अपने के पास बराबर 1000 के बराबर, मल्टीप्लाई अपने के पास देख लो थोड़ा सा, अपने के पास कैलकुलेटर हम निकाल लेते हैं, अबे किधर गया कैलकुलेटर, ठीक है ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। हम क्या करते हैं इसको इसको लिख दो, तो 17 दूनी 34 और ये आ गया 22 के बराबर, ये देख लो अपने के पास, ये तो 22 के बराबर ऐसे ही हो गया, ठीक है। इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 13 और 17 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 मल्टीप्लाइड में अपने के पास आ जाएंगे, तो 17 ये आ गया अपने के पास 221 के बराबर, 221 के बराबर। अगर गौर से देखो तो एक सरा लिखा हुआ है 22000 और मल्टीप्लाइड में अपने के पास 221 के बराबर है, ठीक है। और यही तो अपने के पास लिखा हुआ है 22000 एल के बराबर, यानी जैसे एल को कंपेयर करेंगे तो 221 के बराबर हो जाएंगे, यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे वो अपने के पास बराबर हो जाएंगे 221 के बराबर। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? अच्छा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो अपने के पास बराबर हो जाएंगे 221 के बराबर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने के पास कैलकुलेशन भी है, तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से कैलकुलेट करो और वो भी देख लो। तो ये थे अपने जेई मेंस के 29 जुलाई 2022 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था। इसमें दो प्रॉपर्टी लगा, एक तो अपने के पास नॉमिनेटर में अगर कोई भी समेशन वेरिएबल लगा हुआ और उसको कैसे मल्टीप्लाई है तो उसको गायब कैसे करना है, दूसरा अपन के पास बाइनो बाइनो सीरीज लगा हुआ, ये अपने आप में एक अलग ही क्वेश्चंस होते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।